सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अपराधियों के घर पर तोड़फोड़ की कार्रवाई पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई किसी मामले में सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। इसको लेकर अब सपा चीफ अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई पर अब न्याय मिला है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। मामले को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी स्वागत योग्य है। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि देश संविधान से चलेगा, सत्ता के चाबुक से नहीं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि बीजेपी की असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बुलडोजर नीति पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी स्वागत योग्य है। बुलडोजर के नीचे मानवता और इंसाफ को कुचलने वाला बीजेपी का संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने बेनकाब हो चुका है। ये बुलडोजर चलाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और पहले से हम लोग इस बात को उठाते रहे। मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि न्याय का बुलडोजर चल गया, न्याय मिला है। उधर राहुल गांधी भी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि बेलगाम सत्ता का प्रतीक बन चुके बुलडोजर ने नागरिक अधिकारों को कुचलकर कानून को निरंतर अहंकार भरी चुनौती दी है। त्वरित न्याय की आड़ में भय का राज स्थापित करने की मंशा से चलाए जा रहे बुलडोजर के पहियों के नीचे अक्सर बहुजनों और गरीबों की ही घर गृहस्थी आती है। हम अपेक्षा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस अति संवेदनशील विषय पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर बीजेपी सरकारों के इस लोकतंत्र विरोधी अभियान से नागरिकों की रक्षा करेगा। देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा, सत्ता की चाबुक से नहीं। दरअसल अदालत ने बुलडोजर एक्शन पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी संपत्ति को सिर्फ इसलिए नहीं गिराया जा सकता क्योंकि वह किसी ऐसे व्यक्ति की है जिस पर अपराध का आरोप है। साथ ही कोर्ट ने इस मुद्दे पर दिशा निर्देश तय करने का प्रस्ताव भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा कि किसी का घर सिर्फ इसलिए कैसे गिराया जा सकता है क्योंकि वह आरोपी है। जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस बीआर गवई के बेंच ने कहा, अगर कोई दोषी भी हो तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई कर रही है। जमीयत उलेमाए हिंद ने आरोप लगाया था कि जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है उस राज्यों में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और उनके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देश भर में तोड़फोड़ को लेकर गाइडलाइन बनाई जाएगी। कोर्ट ने इसे लेकर सरकार और पक्षकारों से सुझाव मांगे हैं। कोर्ट का साफ कहना है कि अगर कोई आरोपी या दोषी भी है तो उसका घर नहीं गिराया जा सकता। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर अवैध निर्माण भी है तो कानून का पालन करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि किसी का बेटा आरोपी हो सकता है लेकिन बेटे के आरोपी होने पर पिता का घर गिरा देना ये कार्रवाई का सही तरीका नहीं है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने इसको लेकर कहा कि हमें न्याय मिला है।